मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की रात रेलवे स्टेशन कचहरी बस स्टैंड गोरखनाथ स्थित झूलेलाल रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा के रेलवे स्टेशन कचहरी बस स्टैंड और लास्ट में गोरखनाथ स्थित झूलेलाल रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे में रुके नागरिकों को कम्बल व भोजन भी वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस भीषण शीतलहरी में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था किया है, जिसमें हर जनपद को कंबल खरीदने के लिए पहले ही पर्याप्त धनराशि दी जा चुकी है। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ज़रूरतमंदों को कंबल व उन्हीं कपड़ों को वितरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों का निर्माण करने एवं उनका संचालित करने और जगह जगह अलाव जलाने, इन सब का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में गोरखपुर के रैन बसेरों व अलाव की स्थिति का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि मैं यहां से विधायक भी हूं और एक जनप्रतिनिधि भी हूं। रैन बसेरे में रुके नागरिकों से बात भी की गई है, उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आप वहाँ लेके जाइए, वहाँ पहुँच जाइए उस टाइम। इधर आते रहिए, आइए सामने। पीछे वाले कौन ले जी? पीछे वाला लेके जाओ, पीछे देखिए, पीछे 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 देखिए, पीछे वाले अलग से लेके जाओ, अब पीछे से दीजिए। पीछे दे रहे हैं ना, इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए भीषण शीतलहरी को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था किया है, जिसमें हर जनपद को कंबल खरीदने के लिए पहले ही पर्याप्त धनराशि दी जा चुकी है। माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े वितरण करने के निर्देश दिए गए। रेन बसेरों का निर्माण करने और उनको संचालित करने, जगह जगह अलाव जलाने, इन सब का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में आज गोरखपुर के रेन बसेरों और अलाव की क्या स्थिति है, इसी का निरीक्षण करने के लिए मैं स्वयं अपनी विधानसभा क्षेत्र में निकला हूं। एक विधायक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते वही निरीक्षण करते हुए मैं आज यहां पर इस रेन बसेरे में आया हूं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत मैंने की है और जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराया है।